चौबीस संवत, चौबीस सौ अठानव, आठ सौ बारह सोमवार, तारीख तीस दस सड़सठ दिन है। पूज्य श्री गांधी स्वामी नो श्री समय शास्त्र में सर्व श्रद्धान अधिकारी गाथा त्रो सौ आठ त्रो सौ अगर पर सुवर्ण पुरुष प्रवचन समय शास्त्र सरण प्रवचन नंबर त्रो सौ इक्यासी नमो लोये सौरियंताणम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौरियान नमो लोये सौजायनम नमो लोये सौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षदों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान यो मंगलम गोकमोहि मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समर्पणाय स्वानुभूत्या चास्ते स्वाय भवाय सर्वाय समय सार त्रम सौ आठ से त्रम सौ अग्यारह उसकी टीका टीका आखिर का भाग है थोड़ा हवा में अधिक अर्जो अधिक आते जो क्या कहते हैं नीचे है वो टीका में उसके कार्य कारण भाव के सिद्ध न होने पर चार मिट्टी है अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता क्या कहते हैं कि आत्मा है वो अजीव का कार्य करे कर्म का ऐसी बात तो सिद्ध नहीं होती आत्मा तो ज्ञानानंद ध्रुव चैतन्य स्वरूप वो परिणाम में पर्याय से पर्याय हो परिणाम में अपना वस्तु जो नित्य ध्रुव उसमें पर्याय है वो परिणाम होता है वो परिणाम उसका कार्य है नहीं वो आत्मा ध्रुव उसका कर्ता चिन्ह में आता है खरेखर तो परिणाम परिणाम का कर्ता और परिणाम उसका कार्य है यहाँ तो सिद्ध करना है वेद सिद्ध करना है ना वस्तु भगवान चैतन्य ध्रुव अभेद ये अपना वर्तमान जो परिणाम है वो निर्मल परिणाम है वो निर्मल परिणाम का करने वाला निर्मल परिणाम उसका काय समझ में आया नीचे से बात दूसरी हो रही है मैं परिणाम परिणाम ना करता थी क्या इसे दूसरी करूँ समझाई थे खाए ध्रुव वस्तु एक समय में शुद्ध चैतन वस्तु है वो तो अपनी सदृष्टा ध्रुवता कायम रखते हैं वो तो खरेखर परिणाम जो वर्तमान में होते हैं उसका भी उसको कर्ता कहना वो अपेक्षा की बात है समझ में आया एकदम भगवान शुद्ध चैतन ध्रुव उसकी जो वर्तमान में पर्याय निर्म हो दृढ़ से लक्ष्य करके शुद्ध चैतन्य स्वभाव उसका दृष्टि करके जो दृष्टि का परिणाम आदि हुआ वो परिणाम अपना कार्य है और परिणाम ही उसका करने वाला खरेखर तो ऐसा है पर यहाँ पदृश से भिन्न बताने को समझ में आया परदृश से बिन बताने को कहा कि आत्मा चैतन प्रभु अपना शुद्ध ध्रुव वो परणते है न पर्याय दृष्टि से वो अपेक्षा से उसका वर्तमान सम्यक दर्शन ज्ञान आदि धर्म परिणाम होता है वो धर्म परिणाम उसका कार्य और आत्मा करता समझ में आया आते कि नहीं झूठ जी आऊ झूठ पंखाई के माध्यम होंगर में ये भी उत्पाद उत्पादक नहीं तो यह उत्पाद व्याप व्यापक नहीं व्याप व्यापक नहीं अरे भाई आई तो अनंत दृढ़ करना है अनंत पदार्थ है एमा अपना जो आत्मा है अपना खरेखर तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति ध्रुव एक रूप आत्मा रहने वाला वो ही अपना स्वरूप ने वो ही अपना कर्ता कार्य उसका एक रूप है और उसमें
दृष्टि करने से जो परिणाम उत्पन्न होता है मोक्ष मार्ग की पर्याय, ये पर्याय का आत्मा कर्ता न पर्याय कार्य, वो भी उपचार से व्यवहार से कहने में आता है, वो समझ में आया। समझ में आया? खरेखर तो ये परिणाम परिणाम का कर्ता न परिणाम परिणाम का कार्य। समझ में आया? यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि कार्य कारण सिद्ध न होने पर जड़ का परिणाम अपना कार्य और आत्मा उसका कर्ता नाम कारण ये साबित नहीं होता। अजीव के जीव का कर्म तो सिद्ध नहीं होता। तो अजीव ना कार्य न आत्मा कर्ता परिणाम है ना कर्ता, जीव ना परिणाम अजीव ना परिणाम ना कर्ता, ये बात सिद्ध थी। जैसे और उसके अजीव के जीव का कर्म तो सिद्ध न होने पर जब जाने भगवान आत्मा कर्म ने जड़ आदि राग आदि का पर्याय का कार्य करने वाला नहीं, ऐसा जब सिद्ध होता है ऐसी अपनी दृष्टि करने से, तो कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षता सिद्धि न होने से, अन्य द्रव्य के निरपेक्ष या स्वद्रव्य से सिद्धि होने से क्या कहते हैं? आत्म को कर्म का पर्याय और शरीर आदि की पर्याय निरपेक्षपणे आत्मा की अपेक्षा रखे बिना उसका पर्याय कार्य ने उद्रव करता, वो अपनी पर की अपेक्षा किए बिना करता कर्मपना अपने द्रव्य में सिद्ध होता है। समझ में आया? अरे जी कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षता सिद्धि होने से अन्य द्रव्य के निरपेक्षता स्वद्रव्य से जो है निरपेक्ष अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य भगवान उसकी दृष्टि करने से जो परिणाम उत्पन्न हुआ वो परिणाम पर की अपेक्षा किया बिना हुआ है। पहली बात समझ में आया? कर्म का क्षय हुआ कि कर्म का सुख हुआ ये लिखो समझते थे तुम्हें ज्ञान थाय तो केवल नावाणी नो ना से लखो जी करता आम सुधारो नहीं तो बदल पहला बोलाया थे रमज भाई मत चौरासी वर्ष थी या पंचासी वर्ष ये बधा गयो आनु लखाण गयो आनु लखाण गयो ना एम क्या क्या शेष आया था उगा कसम आया कैसे भाई आत्मा जी से वस्तु ये वस्तु तरीके तो ध्रुव चैतन्य ध्रुव न्याय भाव अनंत अनंत गुण नु भान रूप आत्मा से आत्मा है। वो आत्मा परिणाम मां पर्याय दृष्टि अपना परिणाम पणे प्रणमते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का मार्ग जो अपना ध्रुव का लक्ष्य से ध्रुव के ध्येय से परिणाम जो होता है वो परिणाम पर की अपेक्षा बिना वो परिणाम उसका काय है आत्मा करता पर की अपेक्षा उसमें है। वो समझ में आया? अपने में चैतन्य जो शुद्ध ध्रुव है उसमें दृष्टि लगाने से जो दृष्टि की पर्याय प्रकट हुई सम्यक दर्शन की वो पर्याय पर की अपेक्षा की बिना पर्याय कार्य में आत्मा करता ऐसा सिद्ध होता है। समझ में आया? अने कर्म की पर्याय ना शरीर है से चलो जो चलती है ना पर्याय वो पर्याय भी अपना आत्मा अंदर है इसका ज्ञान की अपेक्षा रखे बिना वो पर्याय पर की द्रव्य की अपेक्षा रखे बिना वो पर्याय का कार्य और परमाणु उसका कर्ता ऐसा सिद्ध होता है। पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष पणे कार्य कारण स्वद्रव्य में सिद्ध होता है। बराबर
हमारा काम काज करे से कि नहीं मानसो कैसे ना पर पदार्थनी अवस्था पर द्रव्यनी अपेक्षा रख्या विना निरपेक्षपणे तेते पदार्थ कायम रहीने वर्तमान परिणाम रूपी कारणों कर्ता परनी अपेक्षा विना है। समझाणु कहा आ ये भी दृष्टि करवी ने द्रव्य ऊपर दृष्टि करवी अनु नाम सम्यक दर्शन मारा परिणाम ने परनी अपेक्षा है ज नहीं हाथ तो अपेक्षा रखे तो द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध द्रव्य नहीं अपेक्षा है। समझाए कहा धर्म नी पर्याय मोक्ष मार्ग नी पर्याय है संयक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हो तो ये संयक दर्शन ज्ञान चारित्र ये पर्याय है। त्रिकाल द्रव्य नहीं त्रिकाल गुण नहीं ये विकार नहीं वो पर नहीं समझाई से खाए भगवान आत्मा शुद्ध ध्रुव चैतन्य मूर्ति अने उसका जो मोक्ष मार्ग का परिणाम जो द्रव वस्तु है उसमें लगने से जो परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का हुआ वो मोक्ष मार्ग का परिणाम में अन्य कोई द्रव की अपेक्षा नहीं। हम कहते हैं कि जब आत्मा में केवल ज्ञान हुआ तो संग्रहण के मनुष्य देह की अपेक्षा से हुआ ऐसी अपेक्षा है नहीं। हम कहते हैं समझ में आया समझाई सकनी हमारा जो एवं हो तो लाओ पहले पहले संगण मोहन केवल ज्ञान कोई को उपन्या हो बताओ एम बेटा एम कहते नहीं तो ऐसा बताओ कि केवल ज्ञान वर्णी रह गई रहा हुआ और केवल ज्ञान हुआ ऐसा बताओ इतना जिन गजत मनी तुम राज भगवान भाई तो व्यवहार में बात ये आत्मा अपना स्वरूप चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा उसका जहाँ दृष्टि लगाया देह को जहाँ पकड़ा ये जितना प्रमाण में एकाग्रता हुई द्रव्य में इतना प्रमाण में अपना राग से रहित मोक्ष का मार्ग की पर्याय और मोक्ष वो अपना परिणाम अपने से अपनी द्रव्य की अपेक्षा रखना इतनी यहाँ बात सिद्ध करना है समझा नहीं बोला पर की अपेक्षा इतनी सिद्ध करना है खरे खर तो ये परिणाम ने द्रव्य नहीं अपनी जैन थी आया वस्तु अनंत गुण का धाम भगवान अपना वर्तमान परिणाम मोक्ष का मार्ग का जो करते हैं तो कहते कि वो परिणाम मोक्ष मार्ग में राग होता है निमित शरीर संगण आदि है कि देवगुरु शास्त्र है उसकी कोई अपेक्षा रखे बिना मोक्ष मार्ग के पर्याय उत्पन्न होती है ऐसी वस्तु सिद्ध होती है दूसरी कोई युति वस्तु सिद्ध होती वो समझाई से कहा अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया अन्य द्रव्य से निरपेक्षतया स्वद्रव्य से ही सिद्धि होने से स्वद्रव्य से ही सिद्धि इतना सिद्ध करते समझाए कहें तो अन्य द्रव्य से सिद्धि नहीं इतना सिद्ध करना है समझे समझ में आया भाई कहते हैं कि तेरा स्वभाव में क्या खोट है बड़ा स्वभाव भंडार पड़ा है केवल ज्ञान का पिंड प्रभु आत्मा है ऐसा आत्मा जो द्रव्य है वस्तु है कि बहुत विशेष में ऐसा कहो तो उसका जो परिणमन परिणमन उसका परिणमन उसका परिणमन वर्तमान पर्याय उसका परिणमन उद्रव वस्तु है वस्तु उसका परिणमन उद्रव का लक्ष्य करके जो परिणमन द्रव में हुआ
उसका परिणाम ऐसे कहने में आया तो वो परिणाम का कार्य द्रव्यकर्ता नवकार इतनी बात सिद्ध होती है। पर द्रव्य कोई अपेक्षा रखे ना परिणाम उत्पन्न होता है ऐसी वस्तु में है। समझ में आया? यानो अर्थ है कि तेरे पर ऊपर लक्ष्य करने की जरूर नहीं। समझ में आया? तेरा चैतन्य भगवान ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु विराजमान है न, देवाधि देव है, तीर्थंकर का आत्मा ऐसा तेरा आत्मा है। समझ में आया? वो आत्मा की अंतर में दृष्टि करने से जो परिणाम नाम मोक्ष मार्ग नाम धर्म का पर्याय हुआ, धर्म पर्याय है, धर्म कोई चिकाड़ी त्रिगुण नहीं। धर्म आत्मा की निर्विकारी वीतरागी अरागी पर्याय है, तो वो पर्याय स्वदृढ़ सिद्धि है, वो पर्याय का स्वदृढ़ सिद्धि है। इतना यहाँ सिद्ध करना, स्वदृढ़ के आश्रय करने से सिद्धि होती है, पर वो परिणाम पर की अपेक्षा रखकर परिणाम हो ऐसा कारण का सिद्ध होता नहीं। समझ में आया? केम सिंह कुमार जी, अरे भगवान तारी तो महिमा, अरे ये पदार्थ की महिमा से देखने पाई नहीं। हाँ एम के चाहिए परमाणु, एक एक परमाणु एक एक हृदय और अपनी वर्तमान पर्याय रूपी कार्य का करने वाला हो तो स्वद्रव से परिणाम सिद्धि होती है। वर्तमान पर्याय का कार्य की सिद्धि स्वद्रव से है, कि परमाणु का परिणाम की सिद्धि पर हृदय से नहीं आत्मा से तो नहीं नहीं, 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 नहीं। समझ में आया? एक परमाणु में जो चार गुण अंश है, चार गुण अंश चिकार, और दूसरा परमाणु में दो गुण चिकार है, तो शास्त्र में ऐसा भी चला कि दो गुण परमाणु को चार गुण जो चिकार वाला है अपने रूप बना देते हैं। तुम्हारे देखने एक रत्कण परमाणु में वरण गंधर स्पर्श अनेक प्रकार पर्याय अनुज गुण रंग स्पर्श में, स्पर्श में दो गुण चिकास का अंश है, दूसरा परमाणु में चार गुण का अंश है, वरण गंधर स्पर्श अनुज बल है, पर वो दो का परमाणु दो से चार में मिलते हैं तो आज चार द्रव उसको प्रणाम देते हैं, परमाणु चार दो का उसको चार प्रणाम देते हैं, ऐसा व्यवहार से कहने में आया। माई कहते हैं कि वो चार गुण की परिणति जो हुई, ये द्रव अपना परिणाम की स्वद्रव से परिणाम की सिद्धि होती है, वो चारों है तो यहाँ चारों हुआ ऐसी अपनी करते हैं। दूसरी बात कहिए तो भगवान आत्मा जब अपना सम्यक दर्शन ज्ञान परिणाम प्रकट हुआ, वो अपना द्रव के आश्रय द्रव से सिद्धि हुई, अरे नया परिणाम शुद्धि प्रकट करनी है, विशेष वितरागता विशेष निर्दोषता, तो ये निर्दोषता की सिद्धि में वो द्रव सिद्धि कारण है परिणाम में, गुरु के पर्याय कारण नहीं, निमित्त कारण नहीं, पर के अपेक्षा बिना वो अपना परिणाम अपने से सिद्ध होता। समझ नहीं आई बात तुम्हारी? हम बलवा मल समझ में आते हैं भाई। हाँ तो वितराग का मार्ग है, सर्वज्ञ परमेश्वर जैने सौ इंद्र पूजते थे अपना राग के कारण। समझ में आया? आत्मा ही ऐसा है, आत्मा ऐसा ही है, जिन सो जिनवर ने जिनवर सो जीव, जीव सो जिनवर ने जिनवर सो जीव, जाते परमात्मा प्रकाश
जैसा जिनवर ऐसा जीव, जैसा जीव ऐसा जिन। तो बोल के अरे जिनवर अरे हाँ सुन तो सही, तेरा स्वभाव ही जिनवर है, जिनवर का अर्थ वितराग स्वभाव है। तेरा स्वभाव वस्तु 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 ये जिनवर ही है, जीव ने जिनवर एक ही है। ये जिनवर भगवान आत्मा उसका अपेक्षा करके दृष्टि करके जो सम्यक दर्शन चारित्र हुआ तो कहते हैं कि वो परिणाम है स्वद्रव से सिद्ध है। कहा स्वद्रव से है, स्वद्रव अपने द्रव से वो परिणाम की सिद्धि है। समझ में आया? वो अपने द्रव से परिणाम की सिद्धि है। उसमें तो बहुत कर दिया भाई, पर द्रव का परिणाम से तो सिद्धि नहीं, पर ऊपर पहले के परिणाम के कारण वो परिणाम की सिद्धि नहीं तो स्वद्रव से सिद्धि है। वाह, वस्तु तो पर ऐसी वस्तु ऐसी है, दूसरे क्या करे। समझ में आया? क्या किया? हाँ तो वितराग का मार्ग है भाई। अनंत काल में उसने उस चीज की महिमा सुनी नहीं, महिमा सुनी नहीं। अरे सुने तो उसकी जज जाए तो उसका कल्याण हो जाए। बाकी दूसरी लाख क्रिया कांड करे न राग ने पुण्य ऐसा 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 अनंत बार किया हूँ आत्मा में है नहीं ऐसा भाव किया तो भाव में क्या आत्मा का लाभ हुआ? समझ में आया? पुण्य पाप का भाव तो वस्तु में है नहीं, वस्तु में तो शुद्ध चिदानंद भगवान पर आया आत्मा। तो कहते हैं कि बहु हमें कहिए पर की अपेक्षा छोड़कर तो अपना निर्मल मोक्ष मार्ग का परिणाम स्वद्रव से सिद्ध होती। बस इतनी बात है, सुनने में आया? कि गुरु का विनय किया तो है मोक्ष में दर्शन प्राप्त, ऐसी अपेक्षा नहीं है हम कहते हैं। लेकिन अन्य द्रव से निरपेक्षतया स्वद्रव से ही असी नाती क्या, अन्य द्रव से निरपेक्षतया एम कीधु ने स्वद्रव से सिद्धि एनु थी ने कर्ता कर्म नी अन्य निरपेक्षतया ये नाती थी बात करी तो एनो अर्थ थियो स्वद्रव से सिद्धि होने से। पण हम तो एमा असर निकले ने कर्ता कर्म नी अन्य निरपेक्षतया सिद्धि होने से इतनी एटला शब्द लियो। समझ में आया? हा तो भगवान की वाणी है, गंभीर है, ऊंडा अंदर गंभीर वाणी भरी है। आके साधन चौपड़ी एम भणी जना नहीं है कि एल भी पांच सगे हो गया ने शास्त्र पढ़ डाले, पर शास्त्र का मर्म समझे बिना शास्त्र क्या पटे। समझ में आया? कहते हैं कि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन आनंद कन वो वस्तु, और वो वस्तु सन्मुख होने से, वस्तु सन्मुख होने से जो परिणाम उत्पन्न हुआ धर्म का, तो धर्म का परिणाम तो स्वद्रव से सिद्धि कहो, अपना द्रव की अपेक्षा रखकर परिणाम प्रकट हुआ ऐसी सिद्धि कहो, पर राग ने निमित्त से वो परिणाम प्रकट हुआ ऐसी अपेक्षा है। और पूर्व का परिणाम कहीं सम्यक दर्शन आदि था तो विशेष पर्याय वितराग की दूसरे पर्याय में हुई ऐसी अपेक्षा पूर्व की पर्याय की भी अपेक्षा उसमें नहीं, नहीं। समझ में आया? इतना के बड़ा है ना हम्बले मारे हा पर चले भगवान हानी बापा सारा घर नहीं बात तू एवड़ो मोटो तो सारे पर अपेक्षा हो ही नहीं, सतना परिणाम ने पर अपेक्षा क्या। समझ में आया? सत भगवान आत्मा गंभीर स्वभाव से भरा पड़ा प्रभु, हाँ उसका जो आश्रय किया तो वो परिणाम आश्रय किया, वो परिणाम अपना द्रव की कारण सिद्धि हो, द्रव की अपेक्षा रखकर स्व का आश्रय किया तो पर्याय उत्पन्न हुई तो स्वद्रव करता वो परिणाम वर्तमान प्रगट धर्म हुआ उसका कार्य। पर पूर्व की पर्याय इतनी थी तो वर्तमान परिणाम ऐसी अपेक्षा है नहीं, और राग इतना है तो
सन्नत दर्शन की पर्याय उत्पन्न ऐसे ही परदृश है, निरपेक्ष पर पर्याय उत्पन्न होती बराबर। रंजन जी हरी बात भाई, अरे आई बात तो प्रभु सत्य है, इन्हें ना क्या पढ़ाए समझे थे, ये रीते चीज है, ये रीते वस्तु है, मैं ना पारे तो हाल ही बोलती ना पार तो जाए नरके, हा पार तो हल वाली से। हाँ हाँ ये भगवान आम थे न तू कई थी कई समझाई थे, ये बोला के ईश्वर का साथ है जगत ना माटी आती भाई एम नती एम राग कई हतो राग था तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट हुई अथवा पंचमावृताद का परिणाम व्यवहार है तो सम्यक चारित्र की पर्याय उत्पन्न होती है कि सम्यक चारित्र की पर्याय टिकती है, ऐसा व्यवहार राग की अपेक्षा उसको है नहीं। अरे बात एक लाख सिद्धांत बिरा है एक नहीं उसमें एक नहीं तो ऊपर से है भगवान प्रभु चैतन्य पूंज प्रभु है ने ओहो इसकी क्या महिमा, इसकी महिमा पर्याय में कैसे आवे, पूर्णानंद की महिमा पर्याय में कैसे, पर्याय तो पर्याय समी के है, उसकी महिमा उसमें रहती है, समझ में आया, ऐसा भगवान आत्मा सूर्य चैतन आनंद मूर्ति प्रभु ऊपर दृष्टि करने से ध्रुव 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 पर दृष्टि करने से, वो दृष्टि करने से कहा तक ध्रुव पर लक्ष्य करने से जो परिणाम उत्पन्न हुआ तो परिणाम कार्य ने द्रव करता कारण कहने में आता है, इतनी बात ठीक है। तो परिणाम परिणाम नो करता स्वतंत्र है, द्रव नहीं अपेक्षा द्रव है तो परिणाम होता है, ऐसी भी वस्तु में स्थिति नहीं, समझ में आया। बहुत भर दिया है एक बैल लीटी में तो कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष तया भगवान आत्मा आई तो अपने धर्म परिणाम उपरू चाहिए वो बाकी है तो सब में बात है, तो सबकी बात है, सुनो समझे, देखो जो आ लकड़ी है, देखो लकड़ी देखे लकड़ी है, आ लकड़ी ऊंची होती है तो परिणाम हुआ वो पर्याय हुई वर्तमान, तो वर्तमान पर्याय उसका परमाणु जो द्रव है उससे वो परिणाम कार्य है ने द्रव करता ऐसी सिद्धि कहो, पर वो परिणाम या अंगुली थी तो वो परिणाम हुआ, समझ में आया, और यहाँ नीचे ऐसी स्थिति थी तो आगे ऐसी तो ऐसी पर्याय उसमें उत्पन्न हुई गुरु की पर्याय के कारण, ऐसी गुरु की पर्याय और अंगुली की अपेक्षा रखे बिना उसकी पर्याय अपने में पर की निरपेक्षता स्वधर्म की अपेक्षा उत्पन्न होती है, तुम्हें क्या मोड़े मुझे क्या आकर ना करो आकर दुकान वाला वखान करे भाभी कहीं किया तो वखान करो लगा भगवान सामने बापू होने के वो धर्म नल भाई भगवान कुंकुंडाचार देव 2000 वर्ष पहले हुआ दिगंबर मुनि संत जंगल वासी आत्म आनंद में झूलने वाले को कहते हैं भाई भगवान, तो ऐसे कहते हैं भगवान का ज्ञान में एक समय में तीन काल ज्ञान में ऐसा आया कि प्रत्येक पदार्थ की वर्तमान अवस्था का कार्य पर की अपेक्षा बिना होता है, अपेक्षा रखो तो स्वद्रव की अपेक्षा कहो, समझ में आया, पर की अपेक्षा पर है तो यह है, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की श्रद्धा का राग है तो
तो यहाँ सम्यक दर्शन का परिणाम है, ऐसा है नहीं। समझ में आया कि सम्यक दर्शन रूपी धर्म की पर्याय राग ने निमित्त की अपेक्षा बिना अपने से ही परिणाम उत्पन्न होता है और पद की अपेक्षा। समझ में आया जी? अगर भगवान जीवू एवं आत्मा पर मान लो, पर भगवान शू पहले तब शीखवर पड़ी। एक गुरुदेव जी आत्मा जाने अपने जान पड़ गए, शू जाने तने खबर सीती पड़ से। हाथो जाने हाथापण एने आम से क्या रहे, उसको क्या हाथापण आएगा, उसका ख्याल में आए ओ हो, पर का भी लक्ष छोड़ करके और उसकी श्रद्धा का विकल्प की लक्ष्य छोड़ करके, वर्तमान अवस्था का भी लक्ष्य छोड़ करके, त्रिकाल ज्ञान का लक्ष्य करने से जो परिणाम हुआ पर की अपेक्षा बिना हुआ है। निश्चय से तो वस्तु का ऐसा स्वभाव से कहो, समझ में आया? वस्तु का निश्चय से ऐसा स्वभाव, ऐसी दृष्टि करने से उसको पर का आश्रय ने लक्ष्य छूट जाता है, स्वद्रव का आश्रय रहता है, परिणाम उत्पन्न हो, परिणाम उत्पन्न हो, उत्पन्न करना है ऐसा भी है नहीं। समझ में आया? जीव के अजीव का तत्व तो सिद्ध नहीं होता। अरे आपको सिद्धांत कहीं जीव ने चलो शब्द से लाखी जीव के जीव को अजीव का अजीव ना कार्य नु कत्व का सिद्ध नहीं होता। शरीर की अवस्था आत्मा करे ऐसी सिद्धि तत्व की दृष्टि में होती। समझ में आया? विशेषता निरपेक्ष यानी ये बता दे। मजनार जो परिणाम में प्रणमते हैं श्रोता, तो कहते हैं कि वो परिणाम जो उत्पन्न होता है वो परिणाम में बहुत तो ऐसी कहो कि स्वद्रव वस्तु है उसकी अपेक्षा परिणाम उत्पन्न हुआ, ऐसा कहो। समझ में आया? पर वो वाणी है और सुनने में विकल्प आया तो सम्यक ज्ञान की दर्शन की पर्याय उसमें उत्पन्न होती है, ऐसा उसमें है नहीं। बारे तो हमको उपकार नहीं माना हमारे बतारे उपकार उपकार तो द्रविड हो जाए हमल ने चारे पर नो उपकार है वो विकल्प आए पर विकल्प नहीं अपेक्षा रखी ने निर्विकल्प हाँ व्यवहार है तो निश्चय होता है, ऐसा नहीं हम कहते हैं। दो ही बात कसला आक्रमक है ना, क्रमक चलता है ना, निश्चय व्यवहार उपाधा निमित्त क्रमक पान से बुला गया हूँ मैं। परिणाम प्रत्येक पदार्थ में क्रम स्पर्श संबद्ध होता है, एक बात बात जो द्रव जो है सामान उसका वर्तमान काल में जो अंश जो परिणमन है वो सामान का वही परिणमन होने वाला वही काल में वही एक ही है, बस दूसरे समय जो आने वाला वही एक ही है। ऐसा ऐसा क्रमबद्ध परिणाम को जब निर्णय करे तो उसकी दृष्टि द्रव ऊपर जाती है, न्यायिक ऊपर जाते तो न्यायिक ऊपर जाने से न्याय की अपेक्षा से श्रद्धा ज्ञान चरित्र का परिणाम हुआ, ऐसा न्याय की अपेक्षा कहो। पर वो राग स्थान निमित्त था तो आप परिणाम हुआ, ऐसा है नहीं। तो उपादान से उत्पन्न हुआ, निमित्त है तो उत्पन्न हुआ ही रहते नहीं, निरपेक्ष निमित्त की निरपेक्षता है आत्मा का मोक्ष का मार्ग का परिणाम उत्पन्न, मोक्ष का मार्ग ने मोक्ष सब ऐसा नहीं लेना।
समझ आया? एम व्यवहार की अपेक्षा रखे बिना आत्मा द्रव की अपेक्षा रखकर जो सम्यक संज्ञानचारित होता है, व्यवहार की अपेक्षा बिना निरपेक्ष परिणाम की सिद्धि होती है। क्योंकि व्यवहार भी राग है, अचेतन है, उसका वो है तो यहाँ कार्य होता है, ऐसी स्थिति होती नहीं। समझ में आया? अरे बात भाई, तू करू हमारे बोलो कृपा कर तुम्हारा झगड़ा कहीं आयो करे भगवान को करे अपेक्षा ही क्या आऊ है तो यहाँ परिणाम था कि एम से नहीं ठीक है सिद्धि अन्य निरपेक्ष या महासिद्धांत परमाणु मान ली हो दांत चलते हैं होठ चलते हैं होठ चलते हैं वो पर्याय है ऐसा होते हैं पर्याय होते हैं तो वो पर्याय आत्मा की अपेक्षा इच्छा के ज्ञान की अपेक्षा बिना वो पर्याय होती है हम कहते हैं। और जो भाषा का आवाज होते हैं ये आवाज की भाषा वर्गना की पर्याय वो काय भाषा वर्गना करता द्रव की सिद्धि करते हो करने से ओ आहोट है तो भाषा उत्पन्न होती है ऐसा है नहीं हम कहते हैं। दूसरा जी उसमें है देखो उसमें से निकलते हैं जितिन जी नाता दुष्को नाता हम जाएंगे जाते नग्न हो जाओ क्या नग्न हो जाए मिथ्या क्या नाच बिना नग्न में इना नो तो अगिना न तो जी वस्तु क्या है उसमें से प्रवाह क्या आता है तो वस्तु की दृष्टि करे तो उस दृष्टि का प्रवाह कैसे आता है उसको खबर पड़े। समझ में आया? वस्तु पवित्र का निधान भगवान आत्मा उसकी दृष्टि करने से प्रवाह शुद्ध का आता है और शुद्ध का प्रवाह का कार्य अपना आत्मा उसका करता ऐसा है नियम के चाहे तो हो राग उस समय क्रम सर आने वाला तो उस समय राग का ज्ञान भी अपने परिणाम से उत्पन्न होता है। राग है तो परिणाम ज्ञान का ज्ञान परिणाम उत्पन्न हुआ कि ज्ञान का परिणाम स्वद्रव की अपेक्षा रखो पर ज्ञान का परिणाम राग आया तो उसका ज्ञान करना करते हैं ऐसी राग की अपेक्षा उसमें है। समझ में आया? अरे बात सुना ये पुनपुनाचार्य महा निगम जैन धर्म का झंडा हाथ में लिया आपने विकराल मार्ग है जैन दर्शना है वो सिवाय दूसरी कोई बात करे तो जैन दर्शन है ही नहीं। जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? कहते हैं कि वस्तु तेरी विकराल स्वरूप है और विकराल स्वरूप की दृष्टि करने से उसको विजयी बनाने से और उसमें स्थिरता करने से जो परिणाम हुआ वो मुक्त का मार्ग हुआ और केवल ज्ञान हुआ उसका आश्रय से पूरा वो केवल ज्ञान व्यवहार पहले था तो केवल ज्ञान हुआ ऐसा नहीं संगयन मनुष्य है तो केवल ज्ञान हुआ ऐसा नहीं और मनुष्य की गति है तो केवल ज्ञान हुआ ऐसी अपेक्षा नहीं एक केवल ज्ञान की अपेक्षा का परिणाम का कारण शुद्ध है। समझाणू कहने आऊ सच न बैसे रुचे नहीं ने धर्म करना। समझ में आया? ऐसा सच है रुचे नहीं श्रद्धे नहीं अरे धर्म करना रूढ़ में धर्म नहीं होता मरी लगाई चार गति में रूढ़ने को। समझ में आया? जीव के अजीव का कार्य सिद्ध नहीं होता इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। चलो ये बताएंगे भगवान आत्मा राग का ने पर का कार्य का कर्ता नहीं किस अपेक्षा से वो अपेक्षा सिद्ध कर दिया
क्योंकि अपना आत्मा अपना परिणाम का प्रवाह में प्रणमते हैं, क्रम सर पर्याय में आते हैं, द्रव्य द्रव आते हैं, द्रव प्रणमते में उपस्था है, अपना परिणाम में पर्याय में द्रव आता उपस्थित है, द्रव उस समय में उपस्था है, तो पर्याय का अपेक्षा द्रव के साथ है और परिणाम के अपेक्षा राग ने निमित्त के साथ है। ऐसी वस्तु की सिद्धि दृढ़ सर्वज्ञ का मार्ग में और मोक्ष का मार्ग में सिद्धि होती है। बराबर समझ में आया, उनमें हम जाए थे लॉजिक की बात हो, हमने कही नहीं थी बच्चों पक्ष में हम लगते ना भी चार मिनट तो सही एक लीटी में फूल थी, बाकी रह गया तो नित्य फूल में रही थी, आई होती था ना करता करूं सिद्ध नहीं होता क्या भाई, और उसके सिद्ध न होने पर करता कर्म अन्य निपटता की बात करते को समझ में आया। महासिद्धांत पांचे समय के मैं एक बार के जीवन दिल्ली पप्पा जाने की हवा नीचे भी कम बताएंगे पांच समय सिद्ध किया हमा नामक पांच समय क्या आया। पहले तो कहा भगवान आत्मा और द्रय सब अपने अपने वर्तमान पर्याय का प्रवाह में प्रणम से क्रम से होता है, क्रम सर और क्रम द्रव्य क्रम सर में प्रणमता है, उसमें पर की अपेक्षा है, तो उसकी दृष्टि द्रव पर होती है कि आप परिणाम क्रम सर होता है किस संयक द्रव से, तो द्रव न्यायक है, तो न्यायक है ऐसी दृष्टि जब हुई तो ज्ञान परिणाम हुआ, तो ज्ञान परिणाम अपना शुद्ध उपादान से हुआ है, वो राग शान पर निमित्त था तो हुआ ऐसा है, तो उपादान से हुआ निमित्त से हुआ नहीं, और न्यायिक भाव की दृष्टि करने से है जो परिणाम हुआ तो राग था तो व्यवहार था तो परिणाम ज्ञान परिणाम हुआ ऐसा है नहीं, तो व्यवहार था तो नीचे हुआ है भी रहा नहीं, क्रमवार निमित्त उपादान और व्यवहार नीचे पांच सिद्ध हो गया और रहा पांच सुनवाए। समझ में आया, तो जो द्रव है अपना शुद्ध स्वरूप स्वकाल की पर्याय होने वाली जब है तो उसका ज्ञान कब होता है, तो द्रव न्यायिक भाव है ऐसा पुरुषार्थ करके स्वभाव द्रव है, पुरुषार्थ करके स्वभाव को दृष्टि में लिया तो स्वभाव ने पुरुषार्थ दोहराया, जो समय उत्पन्न होने वाली पर्याय ही उत्पन्न हुई ऐसा काल का ज्ञान हुआ, और भवित्र भाव वही भाव वही पर्याय का वही भाव वो काल का वही भाव ऐसा विज्ञान, और वही समय कर्म का दर्शन आदि चारित्र मोह का परिणाम हट गया है, निमित्त का हट गया है, ऐसा विज्ञान आ गया। समझ में आया, एक भाई भावी से वस्तु भाई यानी अंतर में ऐसा निर्णय की बिना कभी छुटकारा जन्म मरण में जाट नहीं दौड़े भगवान, अरे जन्म मरण करते जो रस्ता में निकलने की काकीड़ा मरी जाए काकीड़ा क्या कहते हैं आज दोनों काकीड़ो तो नहीं रस्ता में कच्चे खाम बस निकल 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 जाए कोई सेवा कोई डेढ़ का बहुत बहुत झपट लगे नहीं बच्ची मानव भरी जाए क्या बेचारा यानी स्थिति पूरी थाना परिणाम नहीं आनी अपेक्षा है नहीं हम कह रहे देनी स्थिति पूरी थाना एने शू के दूंगी बस शू के दूंगी सरकार कैरियर कैरियर लिमिट हुआ तो देह का छूटना हुआ ऐसी अपेक्षा नहीं है हम कहते हैं वो तो परमाणु की पर्याय अपने से अपना द्रव की आश्रय से होने वाली हुई बल्कि अपेक्षा से पर्याय हुई ऐसा है। पर जीव शरीर और आत्मा का संयोग से बचते हैं दूसरा के मैं बचाया तो बचाते ऐसा है नहीं हम कहते हैं उसकी जो होने वाली परमाणु और आत्मा की वो पर्याय के क्षण जो पर्याय हुई ये पर्याय का आश्रय द्रव है द्रव के आश्रय से पर्याय हुई ऐसी सिद्धि होती है पर दूसरे कारण से वो पर्याय का नाश हुआ और वो पर्याय
मैं बचाया तो बचा, ऐसी आयुष की पर्याय उसकी हुई, ऐसी पर की अपेक्षा बिना उसकी पर्याय का भय उत्पाद होता है। समझ में आया? तो महा सिद्धांत सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर तीर्थंकर देव कहने की द्रव का स्वभाव ज्ञान में देखा ऐसा है, ऐसा मानने वाले को सन्नग दर्शन ज्ञान होता है कहते हैं। आते विपरीत माने तो मिथ्यात रहते हैं और जन्म मरण की गांठ रखना पड़ता है उसको। चाहे सो त्यागी हो जाओ भाई का त्याग, पर मिथ्यात का त्याग बिना उसको त्याग यथार्थ होता। समझ में आया? इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है, मतलब हो तो नहीं आत्मा का अकर्तुक तो दृष्टान पूर्वक कहते हैं ये कही। ओहो इतनी बात की गलती है कुमार जी। सर्व शुद्ध ज्ञान भगवान आत्मा परमी अपेक्षा रखे बिना द्रव की अपेक्षा शुद्ध चैतन्य की अपेक्षा कर जो धर्म की पर्याय हुई वो सर्व शुद्ध हुआ, तो सर्व शुद्ध हुआ। तुमने आया? भावा भावा चलो उसका भावा सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है। आसान दिया अनंत परमाणु और अनंत आत्मा, अनंत अनंत पणे रहकर अपना अनंत पणे रहकर दरेक का परिणाम पर्याय अपने अपने में सबके भिन्न भिन्न है। आया उसमें भी अनंत परमाणु है तो उसमें भी सब अपने अपना परिणाम का करने वाला है, क्योंकि अनंत सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है। एक परमाणु है उसकी पर्याय दूसरा परमाणु से भिन्न भिन्न है। एक निगोध शरीर में अनंत जीव है, निगोध 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 कहते हैं आलू बताता शक्कर कमजोर है उसमें एक शरीर अनंत है। एक एक जीव की अपनी पर्याय परिणाम दूसरा जीव के परिणाम से भिन्न भिन्न है। समझ में आया? और उसका कर्म का रजकण जो है उसका एक एक परमाणु का परिणाम भिन्न भिन्न रेखा है, कोई का परिणाम कोई के साथ मिलान होता नहीं। आया तो ये मामला कुट फूका हो गया मानो कहें आत्मा कैसे आयो बाप नो आत्मा कैसे छोकरा ने कहें छोड़ी मिलते नहीं कहें बाप बाप भी कहती है यह क्या क्या ये ऊपर से बीजी बात चली गई थी इधर पर्याय पर्याय नहीं मेरे खत्म एक पर्याय थी बीजी पर्याय बिन बहने ये पापा नहीं मारा बे पर्याय होती है ना आत्मा में जो भूतकाल के वर्तमान होता है दो को मेल नहीं दो मिलान होता है दो एक होता नहीं रहा एक कहां से हुआ छोकरा भगवान मंत्र कहीं कोई हाँ तो लाखों करोड़ रूपया देता मे नहीं भाई तो धूल घनी मरी हम भाई करोड़पति धूलपति घना देता है मारा और मतलब बात करते हो अपनी माई ने खेडू सी नहीं पचास लाख ना चाहिए मानस मारी नाखे भाई केस मुसलमान ने तरह मारी ना मारिया के तेजी बे भेगा थे तेजी बे भेगा थे तुरुत मतलब भाई नो भाई से मानो पुलिस मैं हवा खाए पुलिस જંગલ શું નાનું શું કર્યું નાનું
સંદાસ બાથરૂમમાં ગયો, ફેસર બેન કરીને ભાઈ ભાઈ બોલે ભાઈ આવી શકે, પોતે ભાવમાં ગયો પોતે દોડી ખરી આ ગીત કરી અને પછી પડી ગઈ. કોઈ ઘરમાં ન મળે, ઘરનો માણસ પૂછ્યો જોર આ દશા ક્રૂરતા કેટલી, એક એ બન્યો નોડે ત્રણ નું બન્યું, કોઈ નહી ભાવે આવ્યું કે થઈ સમજાય છે કઈ એ ભાવે છે ને, પર સમય ને જાણતો પણ મારું છે ને એ મારે છે, હા સમજાને રાજ આની થાય છે જાણતો એટલે જ્ઞાન નો સ્વભાવ છે ને એને ખબર ભલે ન હોય, એ જાતનું જ્ઞાન ત્યાં છે આ રાગ નું. એવી રીતે જ્ઞાન માં જાણતો રાગ રૂપે અજ્ઞાની પ્રણમે છે, જ્ઞાની આત્મા ના સ્વભાવ ને જાણતો જ્ઞાન રૂપે પ્રણમે. સમજાણું કઈ સર્વ દ્રવ્યો કે પરિણામ, પરિણામ શું છે આ છોકરા ને પરિણામ આવી પરિણામ છે આ છોકરા ને પરિણામ નથી આવતું, અહીં તો સર્વ વસ્તુ જે અનંત છે આત્મા અનંત ને પરમાણુ એનું પરિણામ એટલે પરણતિ, પરણતિ એટલે વર્તમાન અવસ્થા, અવસ્થા એટલે એની દશા, દશા થી પરિણામ, આખો પરિણામ પદાર્થ વર્તમાન પર્યાય માં ગયો છે એવા પરિણામ ને પરિણામ પર્યાય કહેવામાં આવે. ઉગ્યો ઉગ્યો કીધું છે ને, આખા સિદ્ધાંતો ના સિદ્ધાંતો એક સિદ્ધાંત આખા ત્રણ લોક ના ન્યાય એટલે ઉભા થયા, એક ન્યાય માં ત્યાં બધા એકદમ ફરી વાળો ન્યાય બધું એવા સિદ્ધાંતો સર્વ દ્રવ્યો કે પરિણામ ભિન્ન ભિન્ન હે, પ્રત્યેક આત્મા અને પ્રત્યેક પરમાણુ ના વર્તમાન થતી અવસ્થા એ દરેક ના રજકણો ની કે આત્મા ની જુદી જુદી હોય, સભી દ્રવ અપને અપને પરિણામો કે કરતા હે, પ્રત્યેક પદાર્થ અનંત છે, અનંત હૈ અપની વર્તમાન અવસ્થા કા કે દ્રવ કરને વાળા હૈ રચને વાળા હૈ પરિણામો કે કરતા હે, ઉન પરિણામો કે કરતા હૈ કોણ દ્રવ, પ્રત્યેક આત્મા ને પ્રત્યેક પરમાણુ પોતાના વર્તમાન પરિણામ નો કરતા છે અને વે પરિણામ ઉલતા કર્મ હૈ, એ પરિણામ એનું કાર્ય છે, કર્મ એટલે કાર્ય, કાર્ય એટલે અવસ્થા, અવસ્થા એટલે પરિણતિ, તે તે પરમાણુ ને તે તે આત્મા ના તે તે સમય ના પરિણામ તેનો પરિણામ કરતા તે પરિણામ તેનું કર્મ છે. સમજાણું કઈ નીચે સે કિસી કા કિસી કે સાથ કરતા કર્મ સમજ નહીં હૈ, ખરેખર નીચે નામ ખરેખર એટલે વાસ્તવિક રીતે એટલે યથાર્થપણે કોઈ કોઈ ના સાથે કરતા કારણ કારણ કા સંબંધ છે નહી, ખરેખર કોઈ દ્રવ ની પર્યાય નામ પરિણામ કોઈ દ્રવ્ય ના કરતા ત્યાં પરિણામ થાય એવો સંબંધ છે જ નહીં, એસા વસ્તુ હૈ નહીં, વિમાન ઉડી જાય એનો અનંત પદાર્થ ની પર્યાય હું કરું હું હું તો આમ થાય હું હું તો આદર ઈ હોય તો એમ થાય તું હોય તો તારા માં થાય, તું હો તો તેરે મેં હો, પર હો તો પર મેં હોતા હે, પર મેં હું પર મેં શું થાય તેરે શું થાય, હું લડકા હોશિયાર નીકળતા તો જો 25-25 લાખ 20 લાખ 50 લાખ કરી નાખે એકદમ 2-5 મહિને તો હોશિયારી ખરી કે નહીં, હોશિયાર પૂછ કાય એક રાત માં થઈ જવાનું, એક મહિના 50 લાખ થઈ જાય, એક મહિના 50 લાખ નહીં તો નહીં કહું છું નામ નથી આપતા, એક મહિના 50 લાખ હા 2 લાખ નાખ્યું છે, 2 લાખ ને જાઓ અને વેચી નાખો ત્યાં કે ભાઈ ભાવ વધી ગયો છે એના 5 લાખ ઉપજે છે વેચો, 5 લાખ ને ફરી રહી છે બીજું થઈ રહ્યું છે 7 લાખ ઉપજ છે કે વેચો, એમ એક મહિના 50 લાખ તું સારી થઈ છે કે નહીં, આવ વિદ્યા બેસી વાત કે હું આવ કોના વિદ્યા
पर्याय ना है भाव जगो ना सोना का भाव जन कहते हैं सोना का भाव है पर भाव क्या तो अपनी पर्याय क्या है वही घटी क्या है कल्पना में था 25 रुपए का सोना थे 125 का हो गया सारी कल्पना है ना वो तो द्रव गुण पर्याय है रा खरेखर किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं इसलिए जीव अपने ही परिणामों का करता है ठीक ये कारण है जीव पोता अपना ही परिणाम करने वाला है कि राग का करने वाला कहो तो अपन यथार्थ नहीं है वो खरेखर तो राग होता है भले उस समय पर उसका समय में द्रव की दृष्टि से तो ज्ञातापना का परिणाम का ही करता आत्मा है समझ में आया अरे राजी तो ये प्रकार के हो क्या समझ में आया और अपने परिणाम कर्म है आ कारण जीव अपने से ही परिणाम करते हैं और वो परिणाम हुआ अपना कार्य इसी प्रकार अजीव अपने परिणाम का करता है जो दूसरा एक को जीव द्रव लिया ऐसा अजीव द्रव लिया सब अजीव 5 अजीव है एक जीव द्रव है सद्रव है भगवान ने दिखा भगवान केवल ज्ञानी ज्ञान में सद्रव दिखा जीव पुद्गल धर्मासी अधर्मासी आकाश में सद्रव में प्रत्येक द्रव में पहले जीव लिया अब कैसे अजीव अपने परिणाम का ही करता है दवा से रोग मिटते हैं ना पाते क्या कहते हैं अजीब अपने परिणाम का करता है अब परमाणु अजीब है तो अपना परिणाम क्या करता है भरी वो परिणाम यहाँ से करता है यहाँ का रोग मिटा है कैसा आया क्या कहते हैं अजीब अजीब है कि क्या है माटी रोग की अवस्था अजीब की अवस्था है वो अवस्था क्या दूसरा अजीब है दूसरा अजीब वो परिणाम से ही परिणाम होता है एक भाई तुम कह इंजेक्शन दिया कब ऐसा हो गया कैसे कैसा है नहीं भाई तेरे ब्रह्म तेरे को हुआ है क्यों इंजेक्शन का परमाणु की पर्याय वो अजीब से उनका अजीब से हुई है यहाँ परिणाम अपना परमाणु से हुई है अजीब अपने परिणाम का करता है और अपने अजीब अनंत है अनंत अजीब है तो भिन्न भिन्न अजीब है भिन्न भिन्न का परिणाम भिन्न भिन्न हुआ भिन्न अपने अपने से हुआ पर से होता खबर भाई बहुत झूठ बहुत हमारा धमाल एक मुंबई 45 लाख नौ में कलकत्ता में 8 लाख 5 लाख एम थे कितना खरीद बैठा था धमाल बस तू मोट तू बड़ी उभी रही बोले लाल तू मुझे कह जाए कितना फेगा पैर बोली पे धाले अरे अरे धमाल कैसे प्रत्येक वक्त तेना परिणाम नो करता थे परमाणु है लाल बत्ती मैं उसे मोटर एम नहीं दुनिया तो ब्रह्मा पड़ेगी अजी अपने परिणाम करता है और अपने परिणाम कर्म इसी प्रकार जीव दूसरे के परिणाम को अकरता है जो ये रीति भगवान आत्मा पर पदार्थ का अपना परिणाम से करे ऐसा कभी होता ऐसी दृष्टि करे तो पर से दृष्टि हटकर अपना द्रव ऊपर दृष्टि हो तो उसका परिणाम निर्भर होता है उसका सार है।